हेलो फ्रेंड्स, आज डिस्कस करते हैं 7 मार्च के, यानी कि आज के जो जीके के क्वेश्चंस हैं और इंग्लिश के जो क्वेश्चंस हैं, वो सभी आज डिस्कस करेंगे। इस पूरी पूरी वीडियो में जीके और इंग्लिश के क्वेश्चन पूरी पूरे दिन के सभी शिफ्ट के मिक्स करके एक्सप्लेन किए गए हैं। पूरी वीडियो को एंड तक देखें, आपको पूरे दिन के जीके और इंग्लिश के क्वेश्चन एक साथ मिल जाएंगे। स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द नेम ऑफ नोवल एक्सरसाइजेस बिटवीन इंडिया एंड ओमान। तो उसका नाम था नसीर अल बहार। हर साल कोई ना कोई नेवल एक्सरसाइजेस दो कंट्री के बीच होती हैं, जैसे इंडिया और अमेरिका, इंडिया जापान, इंडिया चाइना। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि नोवल एक्सरसाइजेस जो हुई थी उसका क्या नाम है। ऐसे ही आर्मी के बीच भी होती है, नेवी फोर्सेस के बीच में होती है, और जो एयर फोर्स है उसके बीच में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, रेजिस्टेंस फेज एक क्वेश्चन पूछा गया था, एग्जैक्टली उसका डेट मेरे पास नहीं है। पहला क्वेश्चन था, पी स्टैंड्स फॉर इन पेंसिल। पेंसिल एक कार्यक्रम है, एक योजना है केंद्र सरकार की। तो उसमें पूछा गया था कि ये जो पी है ये किस लिए स्टैंड करता है, इसका मतलब क्या है। तो मैं फुल फॉर्म आपको बता देता हूँ इस पेंसिल की, प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर। मतलब इसका ये है कि जो बाल श्रम है, जो बच्चे मजदूरी करते हैं, उनके लिए एक प्रोग्राम है। तो इसमें पी का मतलब जो है प्लेटफॉर्म से था, का मतलब प्लेटफॉर्म से था। तो ऑप्शन में दिया गया होगा, चार ऑप्शन उसमें प्लेटफॉर्म दिया गया होगा, तो वही उसका सही आंसर था। अगला क्वेश्चन, सितारा देवी इज रिलेटेड टू विच डांस फॉर्म। सितारा देवी बहुत ही फेमस डांसर थी, तो वो किस डांस फॉर्म से जुड़ी हुई थी। तो इसका सही आंसर है कथक। कथक की बहुत प्रसिद्ध ये जो नृत्य थी, इनका जन्म 1920 में हुआ था और इनकी जो डेथ है वो 2014 में हुई। ये बहुत ही फेमस डांसर थी, इसको आपने याद रखना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड। जो देशांतर है, एक देशांतर होता है, एक अक्षांश होता है। तो हमें पूछा गया था कि दो लॉन्गिट्यूड के बीच की डिस्टेंस को क्या कहते हैं, उसका सही आंसर है गोरे। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, बेस्ट फिल्म एक्टर फॉर नेशनल अवार्ड 2017। तो 2017 का जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड था वो किसे दिया गया था। तो उसका सही आंसर है सुशांत सिंह राजपूत। MS धोनी जो मूवी थी उसके लिए इन्हें अवार्ड मिला था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हु इज द कैपिटल ऑफ कैप्टन ऑफ लेस्टर सिटी इन इंग्लिश प्रीमियर लीग। इसका एग्जैक्ट डाटा मेरे पास अभी नहीं है, इस तरह का कोई क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड ब्रेंथ ऑफ बांग्लादेश फ्लैग। जैसे हमारे देश, हमारे कंट्री का एक फ्लैग होता है, वैसे बांग्लादेश का भी फ्लैग है, नेशनल फ्लैग। तो इसकी जो लेंथ और ब्रेथ का रेशियो है वो पूछा गया था। तो इसकी जो लेंथ और ब्रेथ का रेशियो है वो 10:6 है, 10:6, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं इंडियन फ्लैग की। जो इंडियन फ्लैग का रेशियो है वो 2:3 के फॉर्म में है, और जो बांग्लादेश का फ्लैग का रेशियो है वो 10:6 की फॉर्म में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इज ऑक्सीजन मोनो और एटॉमिक और डायएटॉमिक। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो जो इसका सही आंसर है कि जो ऑक्सीजन है वो डायएटॉमिक है। डायएटॉमिक के जो एग्जांपल है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच
विजयनगर एम्परर से एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसको आप देख सकते हैं। उसके बाद चार ऑप्शन थे आपके पास, उसमें क्वेश्चन था इवेंट दैट अकर्ड ड्यूरिंग लॉर्ड कर्जन एंड ओपोस पीरियड, जो लॉर्ड कर्जन थे उनके शासनकाल में जो घटनाएं हुई थी। आपको चार ऑप्शन में से ढूंढ के सही ऑप्शन लगाना था। एक क्वेश्चन ये आया था, हु इज द फ्रेंड ऑफ अल्बुकर्क। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीपीपी। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत सारे एग्जाम में। इसके जो पूरा फॉर्म है वो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अब कुछ क्वेश्चन इंग्लिश के पूछे गए थे जो मुझे मिले हैं, इसमें कुछ एक सिनोनियम है, स्पेलिंग एरर है और इडियम्स हैं, तो इनको आप एक बार वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। बाद आपसे पूछा गया था फुल फॉर्म ऑफ SMTP, तो इसका जो फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जब हम कोई भी मेल भेजते हैं, इस सिस्टम के थ्रू आप किसी को मेल भेज सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन उड़ान व्हाट डज डी मीन। तो जो उड़ान एक प्रोजेक्ट है, उड़ान सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसकी फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक, तो उसमें जो डी का मतलब है देश से है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इन FRDI व्हाट डज डी मीन। तो इसका फुल फॉर्म जो है द फाइनेंशियल रेजोल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन की जो एसआई यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, आप ऑप्शन में देख सकते हैं। तो इसके बाद दूसरी शिफ्ट के जो इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन थे वो आपसे पूछे गए हैं, वीडियो को पॉज करके आप एक बार इनको देख सकते हैं। आपसे इडियम फ्रेजेस पूछे गए थे, ड्राई अप एंड वेल, सिनोनियम इंप्लिसिट, इडियम वेट ब्लैंकेट। आपके पास एरर भी थी, फिलिंग द ब्लैंक भी था, तो आप एक बार इसको देख सकते हैं। वापस आते हैं दूसरी शिफ्ट पे, जिसमें आपसे कुछ क्वेश्चन और पूछे गए थे, जिसमें है व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ सूरदास पोएट्री। सूरदास पोएट्री की जो लैंग्वेज थी वो कौन सी थी। तो सूरदास पोएट्री की जो लैंग्वेज थी वो हिंदी भी मानी जाती है, ब्रिज भाषा भी मानी जाती है, पर्शियन और संस्कृत भी मानी जाती है। तो जो आपको ऑप्शन में बेस्ट था ऑप्शन था वो आप सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद आपको क्वेश्चन दिया गया था सोडियम, सोडियम जो मेटल है उसकी जो प्रॉपर्टी है उसमें से एक क्वेश्चन दिया गया था। आपके पास ऑप्शन चार थे, उनमें से एक सिलेक्ट करना था। मैंने यहाँ पे सोडियम की जो सारी प्रॉपर्टीज हैं वो लिख दी है, आप एक बार वीडियो पॉज करके इनको याद कर सकते हैं। एटॉमिक नंबर सोडियम का कितना होता है, एटॉमिक मास, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, और उसके बाद जो मेन मेन चीजें हैं आइसोटोप्स, डिस्कवरी, ये किसने की थी, जो सोडियम मेटल है वो किसने डिस्कवर की थी, सर हम्सन डेवी ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट फॉर म्यूनिसिपल, म्यूनिसिपल के लिए कौन सा अमेंडमेंट लागू होता है, तो आंसर है 74। उसके बाद नया क्वेश्चन, फार्देस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन और ऑर्बिट ऑफ अ प्लेनेट इज कॉल्ड। तो इसका ऑप्शन हो सकता है एपिहिलियन। एपिहिलियन एक डिस्टेंस होती है जो अर्थ और सन के बीच में मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम डिस्टेंस, इसको बोलते हैं एपिहिलियन। एक पेरिहिलियन भी होती है, वो शॉर्टर डिस्टेंस होती है। अगला क्वेश्चन, वन जो क्वेश्चन था वो रिलेटेड था मोटर व्हीकल एक्ट के। उसके बाद क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अपरमोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फियर। जो एटमोस्फियर की लेयर्स हैं वो शुरू होती है टोपोस्फियर से और खत्म होती है एक्सोस्फियर से। तो जो सबसे लास्ट की जो लेयर है वो एक्सोस्फियर, यहाँ पे सही ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन है, बाबर जो मुगल डेंसिटी के फाउंडर थे, ये क्वेश्चन कल भी आया था, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो मैंने कल भी बताया था आपको कि जो बाबर बाबर और जो मुगल डेंसिटी का जो कार्यकाल था और जो मुगल डेंसिटी के जो रूलर थे उसकी आपको एक
पूरा समरी दी थी, उसको आप याद कर सकते हैं कल की वीडियो से। तो यहाँ पे पूछा गया था, बाबर वॉज द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी। तो जो बाबर था वो मुगल डायनेस्टी से बिलोंग करता था। बाबर के बाद हुमायूं आया, हुमायूं अकबर, शाहजहां, जहांगीर, ये सारे मुगल डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। तो आप एक बार इसको देख लीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बाकी का कल करते हैं। थैंक यू गाइस, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जितनी वीडियो डालता रहूं हर एक शिफ्ट की वो आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू।